करते हैं सतना जिले की, जहां के मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी ने समूचे विंध्य क्षेत्र सहित संपूर्ण प्रदेश में गत 4-6 महीने से थाने और ट्रैफिक पुलिस के द्वारा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जगह जगह वाहन चेकिंग के पॉइंट लगाए जाकर आम लोगों में दहशत का वातावरण निर्मित कर अवैध वसूली रोकने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि भ्रमण के दौरान देखा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी मुख्य मार्ग पर पुलिस के द्वारा चेकिंग पॉइंट बनाकर लंबी लंबी कतार लगाकर वाहनों को रोककर कागजों की जांच के नाम पर वसूली की जाती है। गांव देहात के सामान्य लोग जो मोटरसाइकिल से इलाज कराने, दवाई लेने, बाजार जाने या फिर महिलाओं बच्चों को साथ लिए नाते रिश्तेदारी जाने में, शादी समारोह में आने जाने का काम कर रहे हैं, वो इस जांच से सर्वाधिक पीड़ित होते हैं, वह वसूली का शिकार भी बनते हैं। जांच पॉइंट के नाम पर आम शरीफ लोगों में भी दहशत का वातावरण बन गया है। अब लोग प्रसन्नता से घर से वाहन लेकर नहीं निकल पाते, क्योंकि वो जानते हैं कि यदि रास्ते में पुलिस मिल गई तो किसी न किसी बहाने से चालान बनना या फिर 100-200 रुपए का दंड लगना तो तय है। इस तरह से चेकिंग अभियान से सर्वाधिक पीड़ित गांव देहात के सामान्य सीधे साधे सज्जन लोग होते हैं, जिनमें इस तरह की कार्रवाई से भय का माहौल बन चुका है। श्री त्रिपाठी ने कहा कि हम भी चाहते हैं कि प्रदेश की पुलिस का भय अपराधियों व गड़बड़ी करने वालों में बने। बदमाशी, गुंडागर्दी करने वाले आपराधिक प्रवृत्ति के लोग पुलिस से डरे, किंतु आम जनता में पुलिस का भय ना बने। उन्होंने कहा कि सब लोग वाहन के वैध दस्तावेज, लाइसेंस, बीमा होने पर ही वाहन चलाएं, किंतु इस हेतु दस्तावेज बनाने का कार्य सरकार के द्वारा सरलीकरण कर गांव-गांव अभियान चलाने की जरूरत है, न कि इस नाम पर पुलिस को अवैध वसूली व आम जन को परेशान करने की छूट दी जाए। उन्होंने कहा कि यह बेहद दुखद है कि अपराधियों के स्थान पर शरीफ लोगों में पुलिस का भय बन रहा है। जरूरी काम होने पर भी जब आम आदमी पुलिस के डर से घर से ना निकलना चाहे तो यह चिंताजनक है। पुलिस के द्वारा इस तरह का वातावरण निर्मित किया जाना अशोभनीय है। आज हम सबको आवश्यकता है कि बिना डर भय के ऐसी स्थितियां निर्मित करें कि छात्र छात्राएं, गांव देहात के आम लोग भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने सहित अन्य जरूरी दस्तावेज रखने के लिए प्रेरित हों, ताकि वो पुलिस के सामने अपमान और आर्थिक लूट से भी बच सके। श्री त्रिपाठी ने विंध्य सहित पूरे प्रदेश में पुलिस के द्वारा वाहन चेकिंग के नाम पर आम जनता व शरीफ लोगों में बनाए जा रहे भय से निजात दिलाए जाने हेतु मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की है।